अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ देखिए कैसा लगा आपको डेकोरेशन? वही देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है कि तूने काफी मेहनत की है ना जानकी? भाभी क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? आपको डेकोरेशन पसंद नहीं आया? क्या हुआ जानकी, तुम ठीक तो हो? कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं मम्मी जी, बस तुलसी को मटकी फोड़ते हुए देखना चाहती हूँ मैं, उसी का इंतजार है। बेचारी भाभी, इनको पता भी नहीं है कि तुलसी इनकी अपनी बेटी है और आज वो मरने वाली है। मम्मी जी मैं 2 मिनट में आती हूँ, पता कर लेती हूँ कि प्रसाद तैयार है या नहीं। ठीक है जल्दी आना। हेलो डॉक्टर सुधा, क्या हुआ बताइए ना, रिजल्ट आ गया? हाँ जानकी जी, डीएनए रिजल्ट्स आ गए हैं, मेरे सामने खुल ही रहे हैं तो मैंने सोचा आपको फोन लगा दूं। क्या हुआ डॉक्टर सुधा बताइए ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा, क्या आया रिजल्ट में? प्लीज रुकिए, खुल रही है, प्रोसेस चालू है। 90% प्रोसेस हुआ है, 10% हो रहा है। मेरा दिल तो कहता है तुलसी ही मेरी बच्ची है, बस रिजल्ट में वही आ जाए कान्हा जी। बधाई हो जानकी जी, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तुलसी के डीएनए रिपोर्ट आपसे 100% मैच करते हैं, तुलसी आप ही की बेटी है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरी बच्ची है, मेरी अपनी वृंदा, जिसे मैंने जन्म दिया वो तुलसी है। सताए ओ पाए
वृंदा इस वक्त अपने कमरे में है। हमारी 6 साल पहले खोई हुई वृंदा वापस आ गई है। तुम्हें ये निशान याद है? डीएनए टेस्ट से साबित हुआ कि तुलसी ही हमारी बेटी है। इसका मतलब किसी ने रघु और मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। एक बच्ची को नकली वृंदा बनाकर हमारे घर में लाया गया। हमें यकीन दिलाया गया कि वही वृंदा है। वो पैर का निशान, वो डीएनए रिपोर्ट सब झूठ था। सब पेपर्स रेडी हैं, बस यहाँ पे वृंदा के अंगूठे का निशान चाहिए और रघुवीर सर और जानकी मैम के साइन। उसके बाद सारे जायदाद की वारिस वृंदा बन जाएगी। यहाँ तक कि उस नकली वृंदा के नाम से ट्रस्ट के पेपर्स भी बनवाए गए। ये सब कौन करवा रहा है? मुझे लगता है सिठानी की दवाई के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। अरे कौन मारना चाहेगा तुम्हें? छोटे से और उनकी बीवी। तुलसी ने बताया था कि राकेश और उर्मिला ने मेरी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी। कहीं ये सब राकेश और उर्मिला ने तो नहीं किया? सैंडल के पास में। ये बच्ची जो नकली वृंदा बनकर आई है हमारे घर में, इसका माला से क्या रिश्ता हो सकता है? के साथ ही नकली वृंदा और माला भी मिले हुए हैं। मुझे रघु को सब बताना होगा। रघु, तुम्हारे फोन को अभी आउट ऑफ नेटवर्क जाना था। जब तक रघु यहाँ नहीं आ जाते, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। एक बार रघु यहाँ आ जाए, फिर सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा कि अगला कदम क्या उठाना है। मम्मी, मम्मी क्यों कॉल कर रही? माला, बला। हेलो। हाँ मम्मी। उर्मिला बेटा, दामाद जी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना। पर क्यों मम्मी? अरे दामाद जी ने मुझे केदारनाथ के दर्शन करवाने के लिए जो भेजा है। केदारनाथ? वो भी आपको राकेश ने भेजा है? ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, आपको राकेश केदार। हेलो हेलो माला, वहाँ वहाँ लगाओ। तुमने मेरी मम्मी को केदारनाथ क्यों भेजा? क्या पागल तो नहीं हो गए हो? मैं क्यों मम्मी को केदारनाथ भेजूंगा? और किसने भेजा? मुझे क्या पता। मैं क्या रे मेरे तोता मैना, वो टेंशन में लग रहे हो तुम दोनों। फोन आया क्या कोई केदारनाथ से? समझे नहीं समझे? अरे मैं बताती है, तेरी सास को और तेरी माँ का केदारनाथ का टिकट मैंने कटाया है। अब देखिए तुलसी हमारी बड़ी सयानी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।